लाइट इमिटिंग डायोड। पिछले वर्षों में फिलामेंट लैंप या बल्बों का उपयोग किया गया, जो अधिक मात्रा में शक्ति को खर्च करते थे, उनकी आयु कम थी और उन्हें रख खाव में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। इस कारणों से विद्युत प्रणाली से बाहर हो गए। दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कई युक्तियों के क्षेत्र में विकास होने से फिलामेंट लैंप के विकल्प के रूप में कई युक्तियों की खोज हुई। इन नई युक्तियों में से एक सबसे लोकप्रिय युक्ति प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, जिसे संक्षेप में लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। एलईडी लगभग सभी वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व उपकरणों में अब इंडिकेटर के रूप में उपयोग होती है। उद्दीप्त लैंपों की अपेक्षा एलईडी निम्नलिखित लाभ है। द एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर इन कैंडिसेंट बल्ब आर लिस्टेड बिलो। एलईडी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कोई फिलामेंट नहीं होता है, और इसलिए इसे जलने के लिए कम करंट की आवश्यकता होती है। दूसरा, परंपरागत बल्बों की अपेक्षा एलईडी को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो विशेषकर 1.2 से 2.5 वोल्ट होता है। एलईडी लंबे समय तक चलता है, कई वर्षों तक, चूँकि इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता, इसलिए एलईडी हमेशा ठंडा रहता है। पांचवा, एलईडी परंपरागत लैंपों की तुलना में तेज़ी से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। एलईडी कुछ नहीं अपितु एक डायोड होता है। एलईडी में भी एक अद्वितीय गुण समान कार्य के डायोड की तरह होता है कि एक दिशीय, परंतु एलईडी में उपयोग होने वाला पदार्थ अलग रहता है, मतलब अलग की तरह होता है, इसलिए इनके अभिलक्षण भी अलग हैं। इसलिए यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि एलईडी एक प्रकार का डायोड है, फिर भी एसी से डीसी में रेक्टिफाई करने के कार्यों में उपयोग नहीं हो सकता। याद करें कि सामान्य उद्देश्य डायोड या रेक्टिफायर डायोड तक चालन अवस्था में आता है जब इसके इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा दी जाती है, वो SI यानी सिलिकॉन 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, जिससे ये बैरियम जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं, मतलब बैरियर जंक्शन जो होता है ना, उसको तोड़ देता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करके जंक्शन को क्रॉस करता है और जंक्शन के पी साइड में वीवर होल्स में गिर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वीवर के साथ पुनः मिलता है तो इलेक्ट्रॉन स्वयं अतिरिक्त ऊर्जा देता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। समान उद्देश्य के डायोडों में क्योंकि सिलिकॉन पदार्थ पारदर्शी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश बाहरी वातावरण में ही आता है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। परंतु एलईडी सिलिकॉन की अपेक्षा अर्ध पारदर्शी पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। क्योंकि एलईडी में उपयोग हुआ पदार्थ अर्ध पारदर्शी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश का कुछ भाग डायोड की तरह से बाहर आ जाता है और इस प्रकार यह दिखाई देने लगता है। इसकी संरचना दिखाई गई है। एलईडी विशेष प्रकार से गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फेट और मतलब गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फेट और गैलियम आर्सेनो फास्फेट से डोप्ड किए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों की मात्रा मिलाने से डॉप्स एलईडी विभिन्न प्रकार के रंग उत्सर्जित करता है। विभिन्न तरह के लंबाई, जैसे लाल, पीला, हरा, अम्बेयर और यहाँ तक कि अदृश्य प्रावैगनी प्रकाश। एलईडी का सैकमैटिक संकेत जो पिक्चर में दिखाया गया है, चित्र में तीर यह संकेत देते हैं कि युक्ति से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, यानी कि यह एनोड है और ये कैथोड है, मतलब एनोड ये ऑक्साइड हो रहा है, ये GA ASP एक न्यूट्रल का काम करता है, GSP एन प्रोटॉन यानी कि प्लस, और ये एनोड है और ये P है, ये लाइट उत्सर्जित हो रहा है। और नीचे का जो भाग है ये जिसको बोलते हैं कैथोड, अब ये डायोड है, एनोड और कैथोड एलईडी का पिक्चर्स। टाइप्स ऑफ एलईडी। एक रंग वाली एलईडी सिंगल कलर एलईडी व्यावसायिक रूप सबसे अधिक उपलब्ध है। समान उपयोग होने वाले एलईडी का रंग वाली एलईडी होती है। ये एलईडी एक प्रकार का रंग उत्सर्जित करती है, जैसे लाल, पीला या नारंगी,
विभिन्न रंग वाली एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है जो निम्न सारणी में दी गई है। अब एलईडी का रंग जो होता है, एलईडी विशिष्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लाल का होता है, एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप में 1.8 वोल्ट, नारंगी का 2 वोल्ट, पीला का विशिष्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 2.1 वोल्ट, हरा का होता है 2.2 वोल्ट। ये विशिष्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एक विशिष्ट एलईडी में फॉरवर्ड करंट, इसको बोलते हैं आईए, फॉरवर्ड करंट 20 मिली एम्पियर प्रवाहित करती है। अब दो रंगों वाली एलईडी, टू कलर्स एलईडी, ये एलईडी दो रंग संकेत करती है। वास्तव में ये दो एलईडी एक पैकेज में रखी होती है और पिक्चर दो के अनुसार संयोजित होता है। ये ग्रीन है और यह रेड है। दो रंगों वाली एलईडी में दो एलईडी विपरीत प्रकार के समानांतर में संयोजित है। यह इस प्रकार है कि जब एक एलईडी को एक दिशा में बायस्ड किया जाता है तो यह एक प्रकार का रंग उत्सर्जित करती है, और जब इसे दूसरी दिशा में बायस्ड करते हैं तो यह दूसरा रंग उत्सर्जित करती है। ये एलईडी एक रंग वाली एलईडी से महंगी होती है। एलईडी पॉजिटिव नेगेटिव ध्रुवता को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। जियो और एनो जियो, गो और नो गो संकेत, कोई संकेत नहीं इत्यादि में होता है, यानी गो संकेत नहीं जाना है, नो गो कोई संकेत नहीं। अब आता है एलईडी मल्टी कलर। मल्टी कलर में ये विशेष प्रकार की एलईडी होती है जो दो से अधिक रंगों का उत्सर्जित करती है। ये एलईडी हरे व लाल रंग की साथ तीन पिन वाले कॉमन कैथोड पैकेज के साथ फिट की जाती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपका ग्रीन है, रेड है, PNP, और ये K है। ये A1, A2, LED ग्रीन, रेड, LED 2। अब बात आती है, ये LED एक बार में केवल एक LED को ऑन करने पर हरा या लाल रंग को उत्सर्जित करता है। जब इन दो LED को अलग अलग कर अनुपात में ऑन किया जाता है तो यह नारंगी या पीला प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। आउटपुट रंग, LED 1 का करंट जो होता है लाल का 0, नारंगी का उस कंडीशन में 5 मिली एम्पियर, पीला का हो जाएगा 10 मिली एम्पियर और हरा का हो जाएगा 15 मिली एम्पियर आउटपुट LED 1 का। अब दूसरी कंडीशन में LED 2 करंट क्या करेगा, लाल 15 एम्पियर लेगा, नारंगी 3 मिली एम्पियर लेगा, पीला 2 मिली एम्पियर लेगा और हरा 0 हो जाएगा। साइज एंड शेप ऑफ LED, अब यह इसका साइज, इसका जो दूरी होता है बल्ब के टॉप के किनारे से, वह दोनों तरफ से जो होता है टॉप किनारे 10 mm, और छोटा बल्ब होता है 8 mm का LED, और उससे भी छोटा होता है 5 mm का, और उससे होता है 3 mm का। तो LED जो होता है आपको चार प्रकार का होता है, जिसके टॉप के साइज 3 mm, 5 mm, 8 mm और 10 mm होता है। अब बात आती है, LED एक पॉइंट टू सोर्स लाइट में भी यूज किया जाता है, जो इस प्रकार के पिक्चर में दिखाया गया है। अब ये LED 8 mm और इसका जो टॉप का होता है 7.5 mm, और इसका जो 2.5 जो गैप है या 3 mm होता है। अब इस तरह की बात की जाए तो 5 mm, 6 mm, 6 mm, 2.5 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है 2 mm। लेंस की बात किया जाए तो 5 mm, छोटा उससे बड़ा 4 mm, ये लेंस होता है। अब राउंड, रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर फोकस, मेंटेनेंस, मेंटेनर, मेटल पैकेज विथ लेंस। अब LED जो होता है पांच प्रकार का होता है। जो ए प्रकार में जो दिया गया है वह राउंड प्रकार का होता है। ए प्रकार में जो दिया गया है ये सभी ए में दिया हुआ है, 10 mm, 8 mm, 5 mm, 3 mm, सभी जो है वह राउंड प्रकार का होता है। दूसरा बी में है,
आपका ये रेक्टेंगुलर होता है। बी टाइप में जो होता है वह रेक्टेंगुलर होता है बी टाइप में, और एक बी टाइप में रेक्टेंगुलर होता है। उसके बाद आता है सी, रेक्टेंगुलर फोक्स्ड। रेक्टेंगुलर फोक्स्ड जो आता है सी टाइप में आता है, ये जो होता है रेक्टेंगुलर फोक्स्ड। रेक्टेंगुलर फोक्स्ड के आने के बाद ये भी फोक्स्ड है, 6 mm, 5 mm, 2.5, ये रेक्टेंगुलर फोक्स्ड है। अब उसके बाद डी की बात करें, मिनेटर, ये आपका डी है जिसे मिनेटर बोलते हैं। अब ई की बात करें, लेंस 5 mm, 4 mm है, ये मेंटल पैकेज विथ लेंस के साथ होता है। अब व्यावसायिक रूप से एलईडी विभिन्न आकार व साइजों में उपलब्ध है, जो अलग अलग व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। बहुत अधिक लोकप्रिय आकार और साइज के एलईडी में कुछ को दिखाया गया है। एलईडी का उत्सर्जित प्रकाश एक बिंदु की ओर या फैला हुआ हो सकता है। बिंदु स्रोत एलईडी एक लघु बिंदु का प्रकाश प्रदान करती है, जबकि विसरित डिफ्यूज प्रकार एक लेंस होता है जो कि प्रकाश को बड़े कोण के साथ दृश्य क्षेत्रफल में फैला देता है। टर्मिनल ऑफ एलईडी, क्योंकि एलईडी मौलिक रूप से डायोड होते हैं, उनके एनोड और कैथोड टर्मिनल होते हैं या लीड होती है, जैसा कि समान उद्देश्य के किसी डायोड में होता है। पिक्चर 5 में एलईडी के टर्मिनलों की पहचान करने की विधि दिखाई गई है। एलईडी के आरोहण के लिए किट, माउंटिंग किट ऑफ एलईडी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मॉनिटरिंग पैनल पर एलईडी लगाने के लिए विशेष प्रकार की आरोहण किट उपलब्ध है। जैसा कि पिक्चर 6 में दिखाया गया है, ये किट यांत्रिक प्रतिबल से उसे बचाते हुए एलईडी की न केवल आयु बढ़ती है अपितु एलईडी की आउटपुट को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी बनता है। ये एलईडी है, इसको बोला जाता है शॉर्ट लीड की, जिसको कैथोड बोलते हैं। लॉन्ग लीड एलईडी को बोलते हैं एनोड। और ये इस टाइप का जो होता है ना एलईडी में, उसको नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉच। अब इसकी बात आते हैं फ्रंट पैनल माउंटिंग किट फॉर एलईडी। सबसे ऊपरी वाली जो थोड़ा सा डाउन होता है उसको क्लिप बोलते हैं, उसके बाद नीचे वाला को फ्रंट पैनल बोलते हैं, उसके नीचे वाला को रेंटनिंग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंटनिंग लीड। अब ये है 4-5 mm लीड्स है, ये 4-3 mm लीड्स है, 4-8 mm लीड्स है, और इस तरह का ये दिया गया है रिफ्लेक्टर माउंटिंग किट्स। अब आता है एलईडी का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ एलईडी। एलईडी समान उद्देश्य के डायोड के एनोड और कैथोड टर्मिनल को ओम मीटर के उपयोग से सरलता से परीक्षण किया जा सकता है, परंतु एलईडी की स्थिति में समान डायोड से अलग एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज की परास 1.5 से 3 वोल्ट है। कुछ स्थितियों में 3 वोल्ट से अधिक विशेष फॉरवर्ड करंट 10 mA से 50 mA से भी अधिक होता है, क्योंकि एलईडी की इस उच्च फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट की आवश्यकता के कारण एलईडी को ओम मीटर द्वारा सदैव परीक्षण करना आवश्यक नहीं होता है। इस कारण यह है कि अधिकतर पोर्टेबल प्रकार के ओम मीटर या मल्टीमीटरों में मीटर के परिचालन के लिए आंतरिक बैटरी 3 वोल्ट से अधिक नहीं होती है। मीटर के लगभग उपयोग होने पर ये वोल्टेज कम होती है, इसलिए जब एलईडी को ओम मीटर का उपयोग करके परीक्षण किया जाता है तो एलईडी की रोशनी ग्लो बहुत मंद डिम होती है और एलईडी रोशनी भी नहीं करती है। यह सब मीटर के अंदर लगी बैटरी पर निर्भर करता है, इसलिए ओम मीटर का उपयोग करते हुए एलईडी की स्थिति विश्वासपूर्वक नहीं जांची जा सकती। इसे विक्रेता से खरीदते हुए उपयोग किया जा सकता है यहाँ पर परीक्षण के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध न हो। अब प्रशिक्षण के दौरान क्या होता है कि फॉरवर्ड करंट जो होता है न्यूनतम कुछ नहीं होता है, तो उस समय विशिष्ट 2 mA, उच्चतम 50 mA। फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है न्यूनतम में कुछ नहीं होता है, तो विशिष्ट 1.7 और उच्चतम 3 वोल्ट, न्यूनतम होता ही नहीं है। रिवर्स वोल्टेज नहीं होता है, विशिष्ट होता है 8 वोल्टेज, उच्चतम भी नहीं होता है। अक्षीय ज्योति तीव्रता 0.8 माइक्रो एम एस
MCD होता है, लेकिन विशिष्ट 2 MCD होता है। अब बात करते अर्धध्रुवता का, कोण न्यूनतम होता नहीं है, विशिष्ट प्लस माइनस 20 डिग्री होता है, उच्चतम होता नहीं है। अब बात करते हैं अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तो न्यूनतम होता नहीं है, विशिष्ट 665 NM होता है और उच्चतम होता नहीं है। LED की विशेषता, LED स्पेसिफिकेशन ऑफ LED, एक विशेष LED की विशेषताओं की सीट को निम्न दी गई सारणी में दिखाया गया। एक विशिष्ट LED की विशेषता की टिपिकल LED स्पेसिफिकेशन सीट फॉर फेयर चाइल्ड FLV 1117 रेड लीड। एक विशिष्ट LED की विशेषताएं से जो ऊपर दी गई है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु नोट किए जा सकते हैं। LED का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऊँच होता है, जो 1.7 वोल्टेज से 3 वोल्टेज, जो कि समान उद्देश्यों के डायोड से अधिक है। समान उद्देश्यों के डायोड की अपेक्षा LED को प्रदान की जाने वाली रिवर्स वोल्टेज बहुत कम होती है। उपरोक्त 2 महत्वपूर्ण बिंदु यह सुनिश्चित करते हैं कि LED के अभिलक्षण समान उद्देश्यों के डायोडों के समान नहीं होते। LED एक के विशेष विशेषताओं के अनुसार, यदि एक क्षण के लिए 8 वोल्टेज या अधिक LED के पार्ट्स में रिवर्स बायस ध्रुवता में प्रदान कर दिए जाएं, तो LED नष्ट हो जाएंगे। यदि 34 वोल्ट DC वोल्टेज स्रोत के साथ लाल रंग की LED को उपयोग करना है, तो इसके श्रेणी में जुड़ने वाले प्रतिरोध RS का मान क्या होगा? सारणी में दी गई लाल LED की विशेषताओं के अनुसार, बिना संदेह यह स्पष्ट है कि LED को सीधे 34 वोल्टे के पार्श्व में नहीं जोड़ा जा सकता है। उच्चतम फॉरवर्ड वोल्टेज 3 वोल्ट, इसलिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक प्रतिरोध LED की श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए, जिसे 32.3 वोल्टेज ड्रॉप कर लेनी चाहिए यदि LED के पार्श्व में 1.7 वोल्टेज चाहिए। अब ये है 34 वोल्टेज DC, ये RS 32 वोल्टेज, 32.3 वोल्टेज, और ये है रेजिस्टेंस लगा दिए और 1.7 वोल्टेज का LED लगा दिए। जैसा कि विशेषताओं की सीट में संकेत दिया गया है, LED से पर्याप्त अच्छा प्रकाश लेने के लिए 20 मिली एम्पियर करंट LED में से प्रवाहित होती है, 20 मिली एम्पियर, इसलिए RS का मान होना चाहिए RSV/I, यानी 32.3 वोल्ट/0.02 एम्पियर, 1615 ओम होना चाहिए। चूंकि LED में उच्चतम धारा प्रवाहित हो सकती है, वह 50 मिली एम्पियर की दी गई, इसलिए एक मानक 1.6 किलो वाट रजिस्टर का प्रतिरोध उपयोग करना संभव है। इसलिए LED में 20.2 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होगा, जो कि उच्चतम धारा की क्षमता की सीमा LED पिक्चर 8 में दिखाए गए अनुसार सुरक्षित संयोजित किया जा सकता है। यह इसका रेजिस्टेंस 1.6 किलो ओम है 34 वोल्ट DC पर, और ये रेड है, FLV 117 है LED फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करेंट। यह नोट करें कि किसी भी चुनी हुई LED के लिए उच्चतम रिवर्स वोल्टेज केवल 8 तक होती है, 8 वोल्टेज तक होती है। यदि दुर्घटनावश 8 वोल्ट से अधिक रिवर्स वोल्टेज आरोपित हो जाए, तो LED अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। LED को सुरक्षित रखने का एक उपाय के अनुसार, दृष्टकारी डायोड LED के समांतर में जोड़ दिया जाए। जब LED में पार्श्व में रिवर्स वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट से अधिक है, तो 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टता पर दृष्टकारी डायोड संचालित हो जाता है। इस प्रकार LED के पार्ट्स में रिवर्स वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक सीमित हो जाती है, जो कि उच्चतम रिवर्स वोल्टेज 8 वोल्ट से काफ़ी कम है। इस प्रकार LED सुरक्षित होगी। अब बात करते हैं ये रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन डायोड फॉर LED, ये रेजिस्टेंस है, ये रेक्टिफायर डायोड है और ये LED है। बात करते हैं सोलर लैंप की। सोलर लैंप होता क्या है? एक सोलर लैंप एक लाइट फिचर्स होता है, जिसमें LED लैंप, फोटोवोल्टाइक सौर पैनल और पुनः चार्ज होने वाली बैटरी होती है। खुले आकाश में लगने वाले लैंपों और सौर पैनल और प्रत्येक इकाई की अलग बैटरी होती है।
भवनों के अंदर लगने वाले सौर लैंप, भवनों के अंदर लगने वाले सौर लैंप जो कि सॉफ्ट लेस स्काई लाइट या ट्यूबलेस स्काई लाइट भी कहलाते हैं, पृथक रूप से सौर पैनल फिट रहते हैं और ये सामान्य प्रकाश कार्यों उपयोग होते हैं। जहाँ पर केंद्रित उत्पन्न शक्ति सुविधाजनक या आर्थिक तौर पर सस्ती उपलब्ध नहीं होती है, सौर शक्ति में घरेलू प्रकाशीय स्रोत को बदल दिया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल के लैंप। इससे उपयोगकर्ता के धन की बचत हुई और आग और प्रदूषण के खतरों में भी कमी आई। सौर लैंप दिन के समय चार्ज होता है और संध्या के समय ही खुले आकाश वाले लैंप ऑन हो जाता है और पूरी रात प्रकाशित रहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करती हैं कि दिन के समय उन्होंने जितना सूर्य प्रकाश को ग्रहण किया, आंतरिक सौर लैंपों में शक्ति संचय होती है और नहीं भी होती है। विस्तृत सजावट में गार्डन लाइट के लिए सोलर गार्डन लाइटें उपयोग की जाती हैं। ये पैदल मार्ग में निशान बनाने के लिए और तरणताल स्विमिंग पूल्स में भी बार बार उपयोग होती है। कुछ सौर लाइट इतना प्रकाश प्रदान नहीं कर पाती जितना कि लाइन पावर लाइटिंग प्रणाली प्रदान करती है, परंतु ये आसानी से लगाई जा सकती है और अनुरक्षण भी आसानी से हो जाता है, परंतु और तंतु लैंपों से सस्ता विकल्प भी होता है। अब सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइटें विद्युत ग्रिड के बिना सार्वजनिक प्रकाश प्रदान करती है। इनमें प्रत्येक लैंप के लिए अलग अलग प्रकाश प्रदान करती है। इनमें प्रत्येक लैंप के लिए अलग अलग पैनल होता है या एक बड़ा केंद्रीय और पैनल और बैटरी बैंक सड़क के प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। सौर प्रकाश पद्धति की संपूर्ण लागत कम रखने के लिए ऊर्जा बचत करने वाले लैंप जो कि प्रतिदीप्त या एलईडी प्रकार के लैंप प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उद्दीप्त इनकैंडेसेंट बल्ब एक निश्चित मात्रा के प्रकाश के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करती है। सौर शक्ति प्रकाश में एक सौर पैनल या फोटोवोल्टाइक सेल होता है जो सूर्य की ऊर्जा को दिन के समय ग्रहण करता है और इन्हें पुनः आवेशित होने वाली जेल सेल बैटरी में संचयन कर लेता है। जब सूर्य से और ऊर्जा प्राप्त होनी रुक जाती है तो इस पद्धति में लगा संवेदनशील कंट्रोलर स्वतः ही एलईडी लाइट को ऑन कर देता है, जो इस कार्य के लिए पुनः चार्ज होने वाली बैटरी में संचित ऊर्जा का कुछ भाग का उपयोग करता है। अब बात आती है मेटल हेलाइट लैंप। इस प्रकार के लैंप को एमएच यानी मेटल हेलाइट लैंप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एचआईडी हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप है। इसका अर्थ है कि यह छोटे से डिस्चार्ज ट्यूब में आर्क उत्पन्न होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है। यह अच्छी क्वालिटी के सफ़ेद प्रकाश और अच्छी दक्षता के कारण आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसका उपयोग बहुत रूप से स्टेडियम तथा खेल के मैदानों में होता है। इसका उपयोग पार्किंग स्थलों व शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों में भी किया जाता है। इसकी प्रतिस्पर्धा में एचपीएस लैंप, मरकरी वेपर लैंप, एलपीएस लैंप, हैलोजन लैंप, एलईडी आदि है। अन्य की अपेक्षा एमएच लैंप के अधिक लाभ है जो इसे निर्धारित अनुप्रयोग के लिए उपयोगी बनाती है। वर्किंग प्रिंसिपल मेटल हेलाइट लैंप स्कीम्स। एक मेटल है हेलोजन, जो एक मेटल हेलोजन लैंप का एसी सप्लाई में योजनाबद्ध संयोजन चित्र दर्शाया गया है। इसमें एक रजिस्टर लगाया गया है जो करंट के मान को सीमित रखता है और ब्लास्ट की आयु को बढ़ाता है। मेटल हेलाइट लैंप सेमेटिक से इसका चित्र है। मोलीबेडिनम एंड सील हेलाइट सॉल्ट, मरकरी इधर है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विथ क्वाइल्ड टंगस्टन, रजिस्टर, ब्लास्ट लिमिट करेंट, एसी पावर। जब लैंप ठंडा हो जाता है तो हेलाइट और मरकरी फ्यूज्ड क्वार्टर ट्यूब में संबंधित रहते हैं। जब लैंप को ऑन किया जाता है तब धारा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड में से होकर प्रवाहित होती है
और करंट कूदकर मेन इलेक्ट्रोड में पहुंचता है, या मेन इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में आर्गन गैस में होकर गुजरता है। आर्गन निम्न माप पर आर्क उत्पन्न करता है। प्रारंभ में कुछ समय तक आर्क उत्पन्न होने पर डिस्चार्ज ट्यूब गर्म हो जाती है और मरकरी वाष्पीकृत होने लगता है। प्रारंभ में विद्युत आर्क से धारा प्रवाह का कार्य होता है, लेकिन कुछ समय के बाद गैस से अधिक अणु आयराइज हो जाते हैं, यह इसमें से करंट के प्रवाह को और अधिक आसान कर देती है, अतः आर्क अधिक चौड़ा और गर्म हो जाता है। इस लैंप पे पहले आर्क ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे ठोस मरकरी वाष्प में बदल जाता है। शीघ्र ही आर्क मरकरी वाष्प में होकर ट्यूब के दूसरे सिरे पर लगे मेन इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाती है। उस समय इस करंट पथ का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड में से बहने वाली पथ की अपेक्षा कम हो जाता है और करंट स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड में से बहना बंद हो जाता है। जैसे ही एक नदी कम अवरोध वाले रास्ते की ओर अपना प्रवाह बदल देती है। पार्ट्स ऑफ मेटल हेलाइड लैंप। मेटल हेलाइड लैंप्स का पार्ट्स। मेटल हेलाइड लैंप के आंतरिक भाव और इसके विभिन्न संरचना को दिखाया गया है। आंतरिक ट्यूब इलेक्ट्रोड और विभिन्न धात्विक हेलाइड को अपने अंदर रखता है, जिसमें मरकरी अक्रिय गैस निर्माण के समय भरी जाती है। इसमें प्रयुक्त सामान हेलाइड्स सोडियम थैलियम और स्कैडियम डिस्प्रोसियम आयोडाइड के कुछ यौगिक है। ये आयोडाइड के प्रकाशिक वितरण को संयोजित करते हैं। विभिन्न आयोडाइड का उपयोग करके रंग संतुलन प्रदान करते हैं। आंतरिक आर्क ट्यूब के अंदर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच एक आर्क निर्माण होने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अब इसमें दिया गया है, इसको बोलते हैं सील, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर लैम्प। इसको बोलते हैं आउटर जैकेट मेड ऑफ यूवी एब्जॉर्बिंग हाई टेम्परेचर ग्लासेस। इसको बोलते हैं बाइमेटल स्विच डिस्कनेक्ट्स वोल्टेज फ्रॉम स्टार्टर इलेक्ट्रोड वंस लैम्प हैच वार्मेड अप। इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट टिप होल थ्रू विच हेलाइड्स मरकरी एंड गैसेज आर पुट इनटू आर्क ट्यूब। इसको बोलते हैं फ्लाई वायर कंड्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रोड एट द फार एंड ऑफ आर्क ट्यूब। अब इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं गिटर एब्जॉर्ब एक्सेस हाइड्रोजन। ये है आर्क ट्यूब मेड ऑफ क्वार्ट स्टैंडर्ड पिंचेज सिलिंड्रिकल टाइप है। आंतरिक आर्क ट्यूब क्वार्टर्ज के यौगिक से बना होता है। ये प्रतिकूल वातावरण और अधिक उच्च ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा 3 से 4 ATP तक दाब सह सकता है। मेटल हेलाइड लैंप को चालू करने के लिए इसके इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टेज दिया जाता है, जिसे लैंप के इलेक्ट्रोड धारा प्रवाह के पूर्ण गैस को बायनित कर देते हैं, जिसे लैंप शुरू हो जाता है ताकि लैंप से उत्सर्जित होने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण का घटाया जा सके। यह आर्क के लिए स्थायी ताप वातावरण प्रदान किया जाता है और आर्क ट्यूब के अंदर के भागों को उच्च ताप पर ऑक्सीडेशन की क्रिया से सुरक्षित रखना है। मेटल हेलाइड लैंप का स्टार्टिंग। मेटल हेलाइड लैंप्स के प्रारंभिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लैंप को प्रभावित करते हैं और आवश्यक होते हैं मेटल हेलाइड लैंप को स्टार्ट करने के लिए। दो विधि प्रयोग की जाती है, पहला प्रॉन स्टार्ट जिसको मानक स्टार्ट कहते हैं, दूसरा पल्स स्टार्ट बोलते हैं। प्रॉब स्टार्ट जो होता है विधि ट्यूब में आर्क जलाने की विधि को जानकारी देता है। यह पारंपरिक या प्रॉब स्टार्ट मेटल हेलाइड लैंप के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें से 2 आर्क को बनाए रखते हैं और तीसरा आंतरिक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का प्रोन है। प्रारंभ में आर्क ट्यूब के एक सिरे और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के मध्य ब्लास्ट के द्वारा खुले सर्किट में अत्यधिक उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, जिसे आर्क उत्पन्न होती है। जब लैंप एक बार पूर्ण प्रकाश देने लगता है तो एक धातु स्विच प्रोब
को परिपथ से बाहर कर देती है, जिससे प्रारंभिक आर्क बनाना बंद हो जाता है। पल्स स्टार्ट MH लैंप में स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड नहीं होता है। पल्स स्टार्ट सिस्टम में एक इग्नेटर लैंप को शुरू करने के लिए लैंप के ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोड में सीधे पेल्स उच्च वोल्टेज आमतौर पर 3 से 5 किलो वोल्ट सीधे प्रदान करता है। इसमें प्रॉब इलेक्ट्रोड और धात्विक द्विधात्विक स्विच की आवश्यकता को प्रॉब स्टार्ट लैंप में से हटा दिया जाता है। प्रॉब इलेक्ट्रोड न होने के कारण आर्क ट्यूब के सीलिंग सिरे का क्षेत्रफल कम होने से दबाव में वृद्धि होती है और ऊष्मा हानि भी कम होती है। इसके अतिरिक्त लैंप के साथ इग्नेटर उपयोग करके टंगस्टन के अधीन ऊष्मा के कारण स्प्लूटरिंग से रोकता है। इलेक्ट्रोडों के तेजी से गर्म होने के कारण प्रारंभिक लैंप के गर्म होने का समय घट जाता है। एडवांटेज ऑफ MH लैंप्स: एक्सलेंट कलर रेंडरिंग, मेटल हेलाइड उच्चतम रंग प्रतिपादन करता है, 65 से 90 CRI रंग प्रतिपादन सूची, कॉम्पैक्ट साइज। मेटल हेलाइड छोटे प्रकाश स्रोत से उच्च स्तरीय प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे वह अधिक छोटा, नियंत्रण योग्य और प्रतिदीप्तमय हो जाता है। अब बहुविज्ञता वर्सेटिलिटी: मेटल हेलाइड लैंप परिवेश के वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इनका छड़ और बाहरन बाहर दोनों में से समान रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी व्यापक शैली और वोल्टेज विकल्प इसे कई अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है। हाई एफिशिएंसी: मेटल हेलाइड लैंप प्रति वाट 65 से 115 ल्यूमेन उत्पन्न करती है, जो इनकैंडिसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और मर्करी वेपर लैंप से अधिक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट: चूँकि मेटल हेलाइड लैंप इनकैंडिसेंट लैंप की तुलना में अधिक दक्षतापूर्ण प्रकाश करते हैं, अतः इसके लिए कम विद्युत पावर उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। इसकी जीवन काल अधिक होने के कारण भूमि प्रदूषण कम होता है। अब लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं, तो लॉन्ग लाइफ जो होता है मेटल हेलाइड का, मेटल हेलाइड लैंप का औसत जीवन काल 15,000 से 20,000 घंटे तक होती है, जो इनकैंडिसेंट लैंप के 10 गुना से भी अधिक है। बेटर लाइट क्वालिटी: मेटल हेलाइड लैंप से प्राप्त होने वाला प्रकाश अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश से अधिक मिलता जुलता है। अब आता है डिग्नेवल्स कलर, विभिन्न रंगों में तैयार किए जा सकने वाला। मेटल हेलाइड लैंप को किसी भी प्रकार के रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए बनाया जा सकता है, जैसे नीला, हरा, गुलाबी और एक्वा भी बनाया जा सकता है। द मोस्ट एडवांटेज टेक्नोलॉजी: मेटल हेलाइड लैंप वेंचर की क्रांतिकारी यूनिट फॉर पल्स स्टार्ट सिस्टम का शुरुआत, बहुत बड़ा क्रांतिकारी उन्नति भी यूनिट फॉर पल्स स्टार्ट सिस्टम पारंपरिक लैंप की तुलना में 50% अधिक न्यूमेन प्रदान करती है।